हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब अगर हम व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखते हैं तो उसके क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं, या एक शिक्षक होने के नाते व्यक्तिगत अंतरों पर ध्यान देना कितना आवश्यक है। ठीक है, तो बहुत आसान है लेकिन विचारणीय है ये टॉपिक, तो इस पर ध्यान दीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स आर पर्सनल डिफरेंसेस, यानी कि बच्चों में, छात्रों में, विद्यार्थियों में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो उनका व्यक्तिगत अंतर है, वैयक्तिक अंतर है, स्पेसिफिक टू ईच स्टूडेंट, और हर व्यक्ति के लिए, हर बालक के लिए वो विशिष्ट है। तो क्या क्या, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज में हमको काउंट करने चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंसेज इंक्लूड वेरिएबल्स सच एज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसमें आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जैसे हाइट एंड वेट, इंटेलिजेंस, किस आईक्यू लेवल का स्टूडेंट है, इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, किसी का मेडिकल, किसी का मीडिया के में इंटरेस्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं स्टूडेंट्स के। परसेप्शन, चीजों को वो कैसे परसीव करते हैं, जेंडर वाइज डिफरेंस आ जाता है, फीमेल्स और मेल्स में बेसिक जेंडर डिफरेंसेस हैं। एबिलिटी, योग्यता अलग है, सब छात्रों की, सभी विद्यार्थियों की योग्यताएं अलग हैं। लर्निंग स्टाइल्स, जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है एज अ टीचर हम लोगों को, कि हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो देखिए अगर हम बात करना चले तो लर्निंग स्टाइल एक अलग टॉपिक हो जाता है, पर्सनैलिटी ट्रेट अलग हो जाएगा, जेंडर वाइज डिफरेंसेज अलग हो जाएंगे, लेकिन यहां पर हम इसको सूक्ष्म में समझने की कोशिश करते हैं कि लर्निंग स्टाइल मतलब वो स्टाइल जिससे अधिगम कर सकता है, अधिगम करता, तो यहां पर हम सिर्फ इतना जानते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, जब हम शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में जाते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, तो इट इज नेसेसरी फॉर द टीचर टू प्लान लर्निंग या प्लान टीचिंग, टीचिंग होना चाहिए यहाँ पे, कि शिक्षक को ये आवश्यकता है कि वो इस तरह से अपने शिक्षण को सुनियोजित करे बाय टेकिंग दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इनटू कंसीडरेशन। मतलब कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो रखते हैं अपने साथ, अपने पास, उसको ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को अपनी शिक्षण को सुनियोजित करना चाहिए। When planning teaching, जब हम टीचिंग को प्लान करें तो क्या करें, इट इज मोर लाइकली दैट ए प्लान बेस्ड ऑन द लर्निंग स्टाइल एंड स्पीड ऑफ द स्टूडेंट्स रादर देन द कलेक्टिव इंस्ट्रक्शन। मतलब हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमारा जो निर्देश होता है वो क्या होता है, सामूहिक होता है, पूरी कक्षा के लिए होता है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी टीचिंग इस प्रकार से प्लान हो कि वो लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखे और स्पीड ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई छात्र जल्दी सीख जाता है, कोई स्लो लर्नर है, कोई एडवांस लर्नर है, कोई गिफ्टेड है, कोई रिटार्डेड है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी टीचिंग प्लान होनी चाहिए। विल लीड टू अ मोर इफिशियंट लर्निंग एनवायरमेंट, यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि एक एफिशियंट लर्निंग एनवायरमेंट की तरफ हम प्रोसीड कर पाएंगे। नॉट एवरी स्टूडेंट लर्न्स इन द सेम वे, मतलब हर बच्चा, हर बालक, हर विद्यार्थी एक तरीके से नहीं सीखता है, बट एवरी मेथड डज नॉट एंड एवरी मेथड डज नॉट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन एन इक्वल लेवल, यानी हर मेथड हर बच्चे के इंटरेस्ट को इक्वली अट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी कि हर बच्चा एक ही मेथड से बेस्ट अपना ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो क्या करना है, इन दिस प्रोसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज दैट स्टूडेंट्स कैन यूज डिफरेंट एबिलिटीज एंड स्किल्स। तो इस तरीके का टीचिंग मेथड और स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हर विद्यार्थी जिसके पास विभिन्न विभिन्न योग्यताएं हैं, विभिन्न कौशल है, उन कौशलों का मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके। इन दिस कंटेक्स्ट, considering the individual differences of the students, they will be able to create a rich learning environment as they draw attention to the lesson, है ना, कि हमें जो प्रोवाइड करना है वो एक रिच लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को, और वो किस पर निर्भर करेगा, उनके बीच में जो वैयक्तिक व्यक्तिगत अंतर है उन पर। द नीड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लर्नर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट गाइड द बिहेवियर्स ऑफ द लर्नर्स इन द क्लास, यानी उनकी आवश्यकताएं एंड उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो लर्निंग स्टाइल है, वो मेन फोकस, वो सेंटर में होनी चाहिए टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज प्लान करने समय। देयरफॉर When teaching activities are planned, students will be able to use methods that meet the individual differences, needs
and will enable these students to develop their skills as well as to ensure that the teaching process is successful. मतलब बहुत ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है. हमको दोनों बातों का ध्यान रखना है कि हमारा टीचिंग मेथड भी मोस्ट सूटेबल हम सेलेक्ट करें और हमारा जो लर्निंग आउटकम निकल कर आ रहा है वो भी मोस्ट ऑप्टिमम तरीके से हम उसको जो बेस्ट है चाइल्ड का वो निकाल सके. शिक्षा की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो छात्र है उसके अंदर का जो बेस्ट है, जो इननेट पोटेंशियल है, वो शिक्षा बाहर निकालती है. तो जब हम सभी छात्रों को एक ही प्रकार से शिक्षा देंगे तो किसी भी छात्र का बेस्ट हम नहीं निकाल पाएंगे और हम क्या करते हैं, मीडियोकर छात्र क्रिएट करते हैं अपनी जनरल इन जनरल हम अपने क्लासरूम्स में. सिंस द लर्नर्स ओन लर्निंग स्पीड इंटरेस्ट एंड एबिलिटी इंक्लूड इंडिविजुअल डिफरेंसेस दीज कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. हमको क्या क्या ध्यान रखना है, लर्निंग स्पीड, इंटरेस्ट और एबिलिटी. इतनी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी जो टीचर की एक्टिविटीज है और उसके हिसाब से एप्रोप्रिएटली सिलेक्टेड एक्टिविटीज होगी तो ईच स्टूडेंट का बेस्ट हम निकाल सकते हैं. Each learner is individual and there are differences in interest and ability of students. ये वही बात हो गई. फिर some students are slow, some are quick learners. ये भी हमने बता दिया. Some students need extra teacher help. Some learn on their own. हम लोग material provide करते हैं students को, कुछ students उसको अपने आप से पढ़कर समझ लेते हैं और कुछ को हर line पर हमारी मदद की जरूरत होती है. तो हमें दोनों छात्रों के हिसाब से अपनी teaching learning को रखना है. Each individual learns in a unique way. हर बच्चा विशिष्ट है. Some learn best by hearing. देखिए यहाँ पे ये हमारा लर्निंग स्टाइल आ रहा है. कुछ जो है वो हियरिंग यानी सुनकर सीखते हैं, कुछ देखकर सीखते हैं, कुछ पढ़कर सीखते हैं और कुछ जो जिनके अंदर टैक्टिक सेंस है वो टचिंग सम मटेरियल्स, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना TLM हमको बनाना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि जितनी ज्यादा इंद्रियां हम इन्वॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स की उतनी ज्यादा उसकी लर्निंग बेटर होगी. तो अगर हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हम मान लीजिए आपको हाइड्रोफाइट्स पढ़ा रहे हैं, तो हाइड्रोफाइट्स में हम बताते हैं कि वो जो जल के नीचे रहता है तो वो चिपचिपा हो जाता है, तो हम ऐसे पढ़ा दें चिपचिपा हो जाता है, लेकिन अगर हम उनको किसी जलोद्भिद पौधे को टच भी करा के दिखा सकें तो वो जान पाएंगे छूकर कि वाकई ये बहुत चिपचिपा लसलसा है, ताकि पत्तियां सड़ ना जाएं क्योंकि वो हर समय पानी के संपर्क में रहती हैं. स्टूडेंट्स हु डिफर इन कैपेसिटी एंड पावर ऑफ अचीवमेंट नीड डिफरेंट एक्टिविटीज एंड असाइनमेंट्स. ये बहुत मुश्किल टास्क है एक टीचर के लिए कि वो अगर उसके क्लास में 50 बच्चे हैं तो होना ये चाहिए कि उनकी अचीवमेंट और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से हम उनको डिफरेंट असाइनमेंट दे पाए, यानी कि जिससे कि वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच सके. अगर वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चा है तो उसको अगर हम एक नॉर्मल असाइनमेंट दे देंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंस, या डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो वो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा. हमको उसको कुछ ऐसा सवाल देना है, कुछ ऐसे असाइनमेंट देना है जिसमें उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इन्वॉल्व हो सके, जिसमें उसके दिमाग का जो दिमाग की जो उसकी शक्ति है, जो ब्रेन पावर है, वो इन्वॉल्व हो सके, तब वो बेहतर करेगा. लेकिन अगर हम बहुत उस तरीके का सवाल किसी मीडियोकर बच्चे को दे देते हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट को दे देते हैं, तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा सीखना. तो उसको अगर हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी डेवलप कर पाए तो वो उस बच्चे का मैक्सिमम आउटपुट है. यानी कि ध्यान हमको ये रखना है कि हमको असाइनमेंट्स इंस्ट्रक्शंस देते समय उनके पावर ऑफ अचीवमेंट और कैपेबिलिटी का ध्यान रखना, ये बहुत खास बात है और मुश्किल भी. स्टूडेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ, हम लोग ने बात कर ली किस किस में एक्सपीरियंस उनका डिफरेंट हो सकता है. देखिए जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस पे बेस्ड उसकी फ्यूचर लर्निंग होती है. तो हर बच्चे का प्रीवियस एक्सपीरियंस डिफर करता है. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, एथनीसिटी किस एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, कल्चर उनका कल्चरल डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं एंड लर्निंग स्टाइल, यानी कि इतने वेरिएबल्स हैं जिस पर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से डिफर कर सकता है. तो यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स यूजिंग देयर ओन एक्सपीरियंस एंड लर्निंग बैकग्राउंड्स विल बी मच मोर एफिशिएंट. तो अगर हम इस तरीके का करेंगे कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर पाए तो बहुत एफिशिएंट टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं. रिवीलिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड स्पेशल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसमें हम उनके वैयक्तिक अंतर और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे. स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव्स व्हेन स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड स्पेशल नीड्स आर मैच्ड बाय डिफरेंट टीचिंग मेथड्स. यानी कि हम अगर इसके शैक्षिक निहितार्थ की बात करें तो शैक्षिक निहितार्थ क्या है कि अगर हम ये ध्यान रखते हैं तो उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूटिलाइज होती है और मैक्सिमम आउटपुट हमको निकल कर आता है, जो कि हमारी शिक्षा का, शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य है. स्टूडेंट्स होम बैकग्राउंड, कल्चरल एनवायरनमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिटरमिनिंग स्कूल सक्सेस. ठीक है,
इसमें कोई खास बात नहीं. व्हेन स्टूडेंट्स चूज देयर ओन टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज इन द लर्निंग प्रोसेस, देयर सक्सेस इंक्रीज. यानी ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि हम अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को सफल बना सकें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को उस दशा में पहुंचा सकें जिस दशा में पर वो जा सकते हैं. एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेमेस्टर इट इज नेसेसरी फॉर अ टीचर टू नो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एकेडमिक डिफरेंसेज ऑफ हिज और हर स्टूडेंट्स. यानी कि ये जरूरी है एक शिक्षक के लिए कि जब भी हम किसी कक्षा में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं तो हम बच्चों को उनके फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और एकेडमिक डिफरेंसेस को जान सकें. द लैक ऑफ नॉलेज ऑन सच डिफरेंसेज अमंग स्टूडेंट्स मे कॉज स्टूडेंट्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग टीचिंग प्रोसेस एंड दस एकेडमिक फेलियर. अगर हम ये चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं और एक तरीके का शिक्षण, एक तरीके का अनुदेशन, एक तरीके का उनको असाइनमेंट देते हैं तो क्या होता है कि वो भाग लेना, पार्टिसिपेट करना, प्रतिभागिता करना छोड़ देते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में और वो असफल हो जाते हैं. डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं क्योंकि जो स्लो लर्नर है उसके लिए क्लास की स्पीड बहुत तेज है और जो फास्ट लर्नर है उसके लिए बहुत स्लो है. तो दोनों ही तरीके के छात्र क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कक्षा से. इन एडिशन द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द स्टूडेंट एंड द सोशलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द क्लासरूम मेथड. हम लोग जब पढ़ते हैं क्लासरूम एज अ ग्रुप या ग्रुप डायनेमिक्स की जब बात करते हैं तो ये सोशलाइजेशन, पीयर ग्रुप सोशलाइजेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में और स्टूडेंट सक्सेस में. तो ये सब भी हैम्पर होता है अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में नहीं रखते. तो एक तरीके का कैटेगराइजेशन है, इसको देख लीजिए. अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंड पावर, इन्होंने 1976 में हमें बताया कि पांच प्रकार के विद्यार्थी मेनली कक्षा में होते हैं. तो एज अ टीचर हमको ये पता होना चाहिए कौन कौन से. पहले प्रकार के विद्यार्थी हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, है ना, जो सफल विद्यार्थी हैं. कौन है? हु टेंड टू लर्न, जो सीखना चाहते हैं, एकेडमिकली सक्सेसफुल हैं, क्लास में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन होल्ड करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत कम डिसिप्लिन प्रॉब्लम हमको क्लास में क्रिएट करते हैं और होमवर्क उनको दिया जाए, असाइनमेंट दिया जाए, सब काम करते हैं. तो ये प्रकार के स्टूडेंट है सक्सेसफुल स्टूडेंट. तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से हमारे कक्षा में है जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, उनको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे. सोशल स्टूडेंट्स होते हैं दूसरी तरीके के, हु हैव लेस होमवर्क और एक्टिविटी ओरिएंटेशन. मतलब उनका होमवर्क करने में, कोई एक्टिविटी करने में ज्यादा मन नहीं है लेकिन वो सोशल है. Prefer to engage in activities that have the capacity to achieve but socialize with their friends. मतलब आपका assignment समय पर नहीं complete करेंगे लेकिन socialization में अव्वल हैं. तो एक प्रकार के student ये भी हुए. फिर dependent students, dependent हैं, वो निर्भर हैं. किस पर निर्भर हैं? Peer group पर निर्भर हैं, शिक्षक पर निर्भर हैं कि वो उनको extra support और extra motivation चाहिए अपना सीखने और सिखाने के लिए. कह रहे हैं कि ये कौन से हैं? Are the type of students who need more teacher support and motivation, है ना, उनको हमारे support की, हमारे motivate करने की ज्यादा आवश्यकता होती है. They often need additional clarification and help. यानी कि वो students हैं जो बार बार पूछते हैं, जिनको बार बार हमको बताना पड़ता है, उनको चीजें समझ में नहीं आती. और जनरली क्या होता है, दे मे बी एक्सक्लूडेड बाय देयर क्लासमेट्स. जनरली उनको क्लास ग्रुप अपने ग्रुप में नहीं इंक्लूड करता है क्योंकि जनरली वो सोशली इनमेच्योर होते हैं. तो हमको इन पर भी ध्यान देना है. फिर एलिनेटेड स्टूडेंट्स, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? आर द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर रिलक्टेंट टू लर्न. मतलब ये सीखना नहीं चाहते हैं एंड हैव द पोटेंशियल टू लीव द स्कूल, और इनके अंदर ड्रॉप आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सम ऑफ दीज स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू इवन कम टू स्कूल. सम ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कैन क्रिएट हॉस्टाइल अटैक एंड चैलेंज प्रॉब्लम्स, है ना. तो ये हमें एक तरीके से हमारे ये स्टूडेंट हो जाएंगे जिनके लिए हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ताकि वो ड्रॉप आउट ना बने. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप जो है वो फैंटम स्टूडेंट्स का है. ये कौन से हैं? आर द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड और हर्ड इन द क्लास. मतलब हम ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं, ज्यादा वो कभी क्लास पूरा सेमेस्टर बीत जाता है हम उनको पहचान ही नहीं पाते हैं या उनकी बात सुनी नहीं जाती है. सम ऑफ देम आर शाई, वो शाई हो सकते हैं, कभी कुछ बोलेंगे नहीं, कभी क्लास में खड़े नहीं होंगे, कभी पूछेंगे नहीं. सम आर नर्वस हो सकते हैं वो. सम आर क्वाइट, बहुत चुपचाप रहते हैं क्लास में. दे डू द एक्टिविटीज रेगुलरली, वो एक्टिविटीज तो करते हैं बट दे रेयरली पार्टिसिपेट इन ग्रुप वर्क बिकॉज दे आर नॉट वॉलंटियरी. तो आप क्लास में कभी भी कोई काम बोलेंगे वो कभी वॉलंटियर नहीं करते अपने आप को, तो जनरली हमारी निगाह से वो बचे रहते हैं. एज कैन बी सीन इन दीज कैटेगरीज द क्लासरूम एनवायरमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म पर्सनैलिटीज. यानी कि इन पांच तरीके, ये तो कैरेक्टराइज है, इसके अलावा भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स का. तो हमारे एक छोटे से क्लास में इतने प्रकार के स्टूडेंट हैं तो हम एक तरीके का इंस्ट्रक्शन उनको कैसे दे सकते हैं? तो फिर हम किसी का भला नहीं कर रहे हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं. तो एज कैन बी सीन इन दीज कैटेगरीज द क्लासरूम एनवायरमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म पर्सनैलिटीज बट रादर एन एनवायरमेंट विद मैनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना.
यानी कि छात्रों में बहुत सारा व्यक्तिगत अंतर है. देयरफॉर इन सच अ मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग एनवायरमेंट पासिंग द सेम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू ऑल स्टूडेंट्स अलाइक विल इफेक्ट द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिवली. यानी कि एक कक्षा जो इतने प्रकार के विद्यार्थियों, इतने प्रकार की पर्सनैलिटी से भरी हुई है, अगर हम उसको एक प्रकार का शिक्षण अधिगम अनुभव प्रदान करेंगे, इसका मतलब हम उनकी सक्सेस को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, हम उनका कुछ भी भला नहीं कर रहे हैं. द रोल ऑफ द टीचर इज टू ऑब्जर्व हिज और हर स्टूडेंट्स एंड टू रिवील द इंडिविजुअल डिफरेंसेज दैट एग्जिस्ट इन देम एंड टू अरेंज द लर्निंग एनवायरमेंट अकॉर्डिंगली. है ना, तो हमको अकॉर्डिंगली उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख के अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज प्लान करनी है. इवन इफ दी स्कूल्स वुड बी इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स, बेटर फिजिकल कंडीशन, यानी कह रहे हैं कि अगर सब कुछ स्कूल में है, बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट है, बढ़िया लेबोरेटरी है, बढ़िया लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लासरूम है, प्रोजेक्टर है, एवरीथिंग जो एक बढ़िया उन्नत विद्यालय, उन्नत महाविद्यालय, उन्नत यूनिवर्सिटी में हो सकता है, वो सब कुछ है, लेकिन अगर क्लासरूम के अंदर हमने उनके हिसाब से टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज प्लान नहीं की, तो वो सारा टूल्स, मटेरियल, लैब, लैबोरेटरी, लाइब्रेरी सब बेकार है और उनके किसी काम नहीं आने वाला है. ठीक, तो खास बात हम क्या कह सकते हैं कि पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्चर्स आर बिगिनिंग टू रिकॉग्नाइज, यानी कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अनुसंधान करता है, उन्होंने ये हमको पहचान के बताया है कि सक्सेस ऑफ ए स्कूल सिस्टम इज डिटरमाइंड लेस बाय इट्स स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स देन बाय व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द क्लासरूम. है ना, कि हम जो एक्चुअली क्लासरूम में करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हमने कितनी उन्नत व्यवस्था क्लासरूम में प्रदान करके रखी है. इसलिए हमको अपनी कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान देना जरूरी है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं. और अच्छा, अगर हम इस बात को इस तरह से देखें कि इंडिया में हमारे, हमको थोड़ा रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा कि हमारे पास टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ज्यादा है, हम बच्चों के नाम तक जान नहीं पाते हैं, तो हम इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे ध्यान में रखें. लेकिन एज अ टीचर एटलीस्ट हमको थियोरेटिकली इस कंसेप्ट को जानना होगा और प्रैक्टिकली उस हद तक फॉलो करना होगा जिस हद तक हम अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी के हिसाब से कर पाए. तो अगर ऐसा करेंगे तो हम एक्चुअली बढ़िया स्टूडेंट्स, बढ़िया फ्यूचर प्रोडक्ट अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो कि देश और राष्ट्र की सेवा करेंगे और अपना भी भला करेंगे, इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एम ऑफ एजुकेशन हम अचीव कर पाएंगे. ठीक है, चलिए, ओके, डन.